और पीछे से भी इतनी ही क्रिस्पी। हेलो, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप मेरे किचन में आए हो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी पानी पूरी की पूरी बनाने की रेसिपी, और वो भी सूजी और गेहूं के आटे। तो आइए देखते हैं पूरी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में सूजी लेंगे। सूजी यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच ली है, आप चम्मच की जगह बाउल का भी यूज कर सकते हो। और 3 चम्मच सूजी के सामने मैंने 1 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा लिया है, वही पतला वाला आटा लिया है जिससे हम रोटी बेलते हैं। अब हम सूजी और आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आटे गूंदने में हम नमक, ऑयल या तो सोडा का बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पानी का यूज़ करके हमें आटा गूंदना है। तो उसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच पानी लिए हैं, और 2 बड़े चम्मच से पहले हम आटा लगाएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और अब हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब हम आटे को 15 मिनट के लिए कवर करके साइड में रख लेते हैं। और 15 मिनट के बाद आटा अगर टाइट हो जाता है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और आटे को मसलते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। और अब 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। आटा थोड़ा सा टाइट हो गया है क्योंकि आप भी जानते हो कि सूजी बहुत ही पानी पी लेता है। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और आटे को सॉफ्ट करना है। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच इतना पानी लिया है और मसलते हुए मैं आटे को सॉफ्ट कर रही हूँ। हम थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे और आटे को मसलते हुए सॉफ्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच पानी लिया है और अच्छी तरह से मसलते हुए आटा अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैंने टोटल 2 बड़े चम्मच और 2 छोटी चम्मच पानी का यूज़ किया है। और करीब 3 से 4 मिनट तक आटे को मसलते हुए मैंने आटे को सॉफ्ट कर लिया है। और अब हमारा सॉफ्ट आटा रेडी हो चुका है। क्रिस्पी पूरी बनाने के लिए हमें ऐसा सॉफ्ट आटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इस आटे से पूरी बना लेते हैं। तो छोटी छोटी पूरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले छोटी छोटी लोई तैयार कर लेनी होगी। तो इस तरह से हम रोल बनाएंगे और इसमें से इस तरह से छोटे छोटे गोले तैयार कर लेंगे। आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से छोटी या बड़ी कोई भी साइज़ की पूरी बना सकते हो, करीब ऐसे। और मैंने एक बड़ी लोई तैयार की है और इसमें से हम एक बड़ी रोटी बनाएंगे और छोटी कटोरी से काट के हम छोटी छोटी पूरी तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसमें से एक रोटी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर लेते हैं ताकि हमारा आटा है वो नीचे चिपक ना जाए। इससे पहले मैंने ऑयल का कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है। एक पतली रोटी तैयार कर लेते हैं और इसके बाद हम ऐसी कोई भी छोटी कटोरी लेके काट लेते हैं, छोटी पूरी का शेप दे देते हैं करीब इसी तरह। और जो बाकी का पोर्शन है वो हम निकाल लेंगे और बाकी की पूरी बनाने में उसका यूज कर लेंगे। और आज की एक खास टिप, पूरी बेलने के बाद तुरंत ही हम पूरी को कवर कर लेंगे ताकि हमारी पूरी है वो सूख ना जाए और अच्छी तरह से फूल पाए। अगर पूरी सूख जाती है तो फूलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। छोटी लोई लेके छोटी पूरी तैयार कर लेते हैं और एक जैसी पूरी बनने के लिए उसको भी हम कटोरी से काट लेते हैं। बाकी की पूरी मैं रोटी मेकर में तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैंने रोटी मेकर को गर्म करके एक लोई इसमें रख ली है और हल्के हाथ से प्रेस कर लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से पूरी तैयार हो गई है। आप रोटी मेकर में एक साथ एक से ज़्यादा भी पूरी बेल सकते हो। रोटी मेकर में बहुत ही जल्दी और आसानी से पूरियाँ तैयार हो जाती है। और अब चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल है वो गर्म हो गया है कि नहीं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आटा ऑयल में डालेंगे। आटा तुरंत ही ऊपर आ रहा है, यानी कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम पूरी तलना शुरू करेंगे। तो गैस हमें तेज फ्लेम पे रखना है और एक एक करके पूरी हम तेल में डालते जाएंगे। आप देख सकते हो कि पूरी अपने आप ही फूल रही है।
हमें प्रेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम एक साथ बहुत सारी पूरियां नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो पूरी जल सकती है। मैं एक साथ 7 से 8 पूरी फ्राई कर रही हूँ और अब हमें पूरी को पलट लेना है। और पूरी को पलट लेने के बाद गैस की फ्लेम है वो हम स्लो कर लेंगे ताकि दूसरी तरफ भी पूरी अच्छी तरह से क्रिस्पी बन पाए। इतनी पूरी को क्रिस्पी होने में करीब आधे मिनट का समय लगता है। आधे मिनट में ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाती है। तो अब करीब आधा मिनट हो चुकी है और पूरी भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम पूरी को तेल में से बाहर निकाल लेते हैं और एक टिश्यू पे रख लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पे चला जाए। आप देख सकते हो पूरी का कलर कितना अच्छा आया है और साथ में ये इतनी ही क्रिस्पी है। तो इसी तरह हम सारी पूरियां तैयार कर लेंगे। गैस फिर से एक बार तेज कर लेना है और ये बात का हमें खास ध्यान रखना है कि पूरी है वो बिल्कुल ही सूखी ना हो जाए, नहीं तो वो अच्छी तरह से फूल नहीं पाएगी। तो फरी मळीशु एक नवी रेसिपी साथे, अने त्यां सुधी बाय बाय। कुक टेस्टी, स्टे हेल्दी।